रानी बेटी राज करे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, नहीं, इस बार सना वादों पे एतबार बिल्कुल नहीं करेगी। बेटा, जिद नहीं करते, जबान से मुकर जाने वालों को बेजमीर कहते हैं। जबान देकर मुकर जाने वालों को आप बेजमीर कहेंगी और वादा तोड़ने वालों को क्या कहेंगी? रानी बेटी राज करे। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी सास को। अरे, इतनी जिद औलाद को बागी बना देती है। अम्मी, आप जाके समझाएं ना उन्हें। पता है, जहांजेब भाई अपने कमरे में ही बंद रहते हैं, एक अजीब सी टेंशन तारी है पूरे घर में। मैं बात तो कर लूंगी, लेकिन बेटा ये बहुत ही जाती मसला है। और क्या मैं अच्छी लगूंगी तुम्हारे ससुराल के जाती मामलात में दखल देती हुई? अम्मी, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप मेरे घर को बचाने में मेरी मदद नहीं करेंगे? ये तो मेरा घर भी है ना। अच्छा ठीक है, मैं बात तो कर लूंगी, मगर अम्मी, शन्नो पप्पो अब आपको देखकर नहीं आती हैं सामने, वो कमरे में बंद कर लेती हैं खुद को। देखो, ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि मुझे देखकर शन्नो अपने आप को कमरे में बंद कर ले। ठीक है, मैं जाती हूँ तुम्हारी सास से बात करने, बल्कि पहले मैं जहांजेब से बात करती हूँ और उसे साथ ही लेकर जाती हूँ। ठीक है अम्मी, मना लीजिएगा ना। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। रईसा बहन, बस छोड़ देना आप अपनी जिद, मैं खुद चलूंगी आपके साथ बेगम आफरीदी के घर। नहीं गुड्डू, हमारे साथ तुम्हारी बेइज्जती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगे। अरे, इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है, आप साफ कह दीजिएगा, जब लड़का ही राजी नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं? लड़का तो राजी था, अब मुकर गया, पूछ ले बैठा हुआ। अम्मी, आप इसकी फिक्र ना करें, आप अनम से फोन पे बात कर लें या उसकी अम्मी से बात कर लें, वो लोग खुश हैं कि भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। लो, एक और आ गई। ये ऐसी बला है कि सर पे चढ़ती है तो उतरने का नाम ही नहीं लेती। बस ये ऐसी दूसरों के लिए कुर्बानियां देने वाली। रईसा बहन, आपकी जिद अपनी जगह, जहांजेब का इसरार अपनी जगह, लेकिन आपको शकीला का भी तो ख्याल होना चाहिए। शकीला का क्या कहना चाह रही? देखिए, आपको शकीला बहुत प्यारी थी ना, और शकीला को जहांजेब, और शकीला ने जहांजेब की खुशी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये तो है। अगर अब आप जहांजेब की खुशी का ख्याल नहीं रखेंगी तो शकीला कयामत के रोज़ आपसे गिला नहीं करेगी कि आपने उसकी खुशी का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैं झूठ तो नहीं कह रही रईसा बहन, सच कह रही हूँ, मान जाइए मेरी बात। मैं समझूंगी कि सना के रूप में मेरी शकीला मेरे सामने आ गई है। आप मुझे मेरी बेटी वापस नहीं दिलाएंगी? आपको शकीला की कसम। नहीं गुड्डू, उसकी कसम मत दो, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगी। अरे वाह अम्मी, तुमने साबित कर दिया कि तुम गुड्डू की बेटी हो। इधर आओ बेटा, इधर मेरे पास। जीते रहो। बहुत शुक्रिया रईसा बहन, आपने मेरा मान रख लिया। क्या हुआ सना, खैरियत तो है? अरे कुछ बोल तो सही। रईसा बेगम आ रही है मेरा रिश्ता मांगने। नहीं वाकई?
बस रजिया बहन, आप हाँ करते हैं। इनकार की गुंजाइश कब है मेरे पास? आप यकीन करें कि पिछले 8 सालों में सना के लिए बेशुमार रिश्ते आए, लाखों पतियों, करोड़ों पतियों के, मगर मेरी सना है कि एक ही जिद पे अटकी रही, बिना बाबा। जिंदगी जिसके नाम कर दी सो कर दी। वो तो एक हादसे ने जहाजेब का घर उजाड़ दिया, वरना जहाजेब अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। बुरा मत मानिए रईसा बेगम, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा मतलब है कि जहाजेब की दूसरी शादी है, आखिर पूछ किछ। अरे रजिया बहन, पूछ किछ कैसी? आप तो जहाजेब को जानती हैं, जहाजेब आपके लिए नया नहीं है। और फिर सना से बढ़कर जहाजेब की जमानत भला कौन दे सकता है? और मुझे देखें, अपने दामाद के लिए रिश्ता लेकर आना, कौन सी सास ऐसा करेगी? ठीक कह रही हैं, ये तो एहसान है आपका रईसा बेगम। एहसान कैसा? मैंने अपनी 3 बेटियां रईसा बेगम को दी हैं, अगर ये इस काबिल ना होती तो मैं भला ऐसा कर सकती थी? बस आप हाँ कर दें। अरे मुझे भला क्या है एतराज़ हो सकता है? सना तुम भी कुछ बोलो। आंटी ने मुझे कबूल किया, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। चलिए रही साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, अंगूठी पहनाइए। बुड्ढो बहन, मेरी बहू आपकी बेटी की जगह जा रही, तो मेरी खुशी है कि ये फर्ज तुम अदा करो। लाइए रईसा आपा, ये तो मेरी बेटी है, लाओ बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। रजिया बहन, मेरी एक शर्त है कि शादी उसी तारीख में होगी जो मैंने तय की। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तैयारी का मौका तो दें हमें। मेरा मतलब कहने का यह है कि हम तो अभी कोई छल्ला तक नहीं खरीद सकते। जब वक्त मिले ना तो चलिए खरीद लीजिएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुंह मीठा करें आप, मैं आपके लिए जरा चाय भी तो ले आऊं ना। अरे राहिला, तुम नहीं गई? भी तुम्हें जाना चाहिए था, आखिरकार तुम जहाजेब की भाभी हो। फूफो, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गई। बस एक बात बताऊं तुम्हें, अनम हर लिहाज से एक अच्छी लड़की थी, तालीम याफ्ता थी, रोशन ख्याल थी, रख रखाव जानती थी। पर इस सना, आप सना को जानती हैं? बरसों से भाई, ये जहाजेब बस शक्ल सूरत पर मर मिटे, वरना रख रखाओ, वजादारी, उसकी फैमिली से तो कोसों दूर है। पता नहीं रईसा भाभी कैसे मान गई, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि इस घर की बहू बनकर लाई जा सके। फूफो, जहाजेब भाई बहुत समझदार आदमी है, अपनी जिंदगी का साथी भी उन्होंने बहुत समझबूझ से ही चुना होगा। लेकिन तुम लिए दिए रहना, मैं बता दूं भाई, इस तबके की लड़कियां ससुराल आते ही जो है ना देवरानियों से दो दो हाथ करने लगती हैं। आप मेरी फिक्र मत करें, जब मैं किसी से मुकाबले में खड़ी नहीं होंगी तो कैसे दो दो हाथ करेगा कोई मुझसे? भई अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अपने हक से 10 बरदार मत हो जाना, अपना राज रखोगी तो कायम रहेगा ना, वरना दूसरे वक्त नहीं लगाएंगे उस पर कब्जा करने में। ये कैसी बातें करी हैं भपुआ? जितना ये घर मेरा है उतना ही ये घर सना का भी होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में बोल रही हूँ, आखिर तुम सीधी सादी बच्ची हो ना। शकीला, अगर गुड्डो को उसका घर वापस मिल गया तो भाई गुड्डो के तो ऐश हो जाएंगे ऐश। हाँ माँ, अल्लाह करे उनको उनका घर मिल जाए वापस, ये तो उनका हक है, उनको मिलना ही चाहिए। अरे हक तो तेरा और तेरे मियाँ का भी है उस घर पर, अपनी बेटियों ने तो साथ दिया नहीं, बुरे वक्त में तो तुम दोनों ने साथ दिया है। अरे दो बेटियां तो अल्लाह को प्यारी होगी, दो परदेश में,
एक बेटी यहाँ ऐश कर रही है। गुड्डो का सियापा तो तुम्हारे सर पर है, हक तो तुम दोनों का ही बनता है। अम्मा क्या हो गया है आपको? बेटियाँ जैसी भी हों बेटियाँ ही होती हैं, और फिर औलाद का ही तो हक होता है माँ बाप की जायदाद पे, वही वारिस होती हैं ना। और वैसे भी अम्मी जी हम पे बोझ नहीं है, बल्कि हमें तो अच्छा लगता है उनका काम करना। और दूसरी बात ये कि वो अपना खर्चा खुद ही उठाती हैं। तू तो रही निरी बेवकूफ़। अरे सोच, कल को अगर गुड्डो मर गई ना तो फिर क्या होगा उस घर का? तुम दोनों मिलकर उस घर को अपने नाम करवा लो। अरे रही बेटियों की बात, तो वो तो अपने अपने बंगलों में ऐश कर रही हैं। अम्मा मुझे नहीं चाहिए कोई मकान वकान, कुछ नहीं कराना मुझे अपने नाम। मेरे लिए तो मेरे शौहर की मोहब्बत ही सब कुछ है। अरे मियाँ बीवी के दरमियान जब भूख आती है ना, तो मोहब्बत शिकस्त खा के भागती है। सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता। हाँ बस करें अम्मा, मुझे नहीं याद रखना तुम्हारा ये पढ़ाया हुआ सबक। मैं बीवी हूँ, सौदागर नहीं हूँ जो अपने मियाँ का सौदा कर दूँ। बस करो अपनी ये बातें। तू तो रोएगी मत्थे पे हाथ मार मार के। कमबख्त मारी। अरे रईस साहब, आप जहाँ जेब इस शादी से खुश है, हमारे लिए इतना ही काफी है। गुड्डो, घर की बहू घर की नुमाइंदा होती है, इज्जत होती है। इसका रख रखाव घर की शान को बढ़ाता भी है और मिट्टी में भी मिला सकता है। सना ऐसी ही है, वो यकीनन आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। अभी तो वो बस थोड़ी घबराई हुई है। सुना नहीं था रजिया क्या कह रही थी कि उन लोगों ने करोड़पतियों के रिश्ते ठुकराए हुए। छिछोरी कहेगी। अरे छोड़े ना रजिया को, आपको उससे क्या लेना देना। आप तो सिर्फ सना को देखें, वो जहाँज़ेब से बहुत मोहब्बत करती है, इसी नाते से वो आपसे और इस घर से भी बहुत प्यार करेगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे तुम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहोगी शादी तक, और हर काम अपने हाथों से करोगी, मुझसे तो कुछ नहीं होता। आपकी बहू है ना घर में। मैं नहीं चाहती कि इस शादी को राहिला अपने हवासों में सवार करे, वो वैसे ही पागल हुई रहती। अच्छा चले ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं वलीमे से दो दिन पहले आ जाऊंगी, आपके सारे काम कर दूंगी। ठीक है, अब मैं ज़रा वो जहाज़ेब से मिल लूँ, पूछूँ उसने वकील से क्या बात की है। तनी ये 8 साल से कहाँ छुपी हुई थी सना, छुपी रहती तो अच्छा था। खाला एक भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो मैं अपने साथ ले जा सकूं। कुछ भी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। क्यों? अरे भाई इतने बड़े लोग हैं, बड़ा एहसान जितलाने आई थी ना, अब जेब भी तो ढीली करें। फिर भी खाला कुछ तो ले जाना होगा ना, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे इस बात की फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, इस बात की फिक्र उन लोगों को होनी चाहिए। सही कह रही हो। 8 साल मुझे 8-8 आंसुओं से रुलाए इस रईसा बेगम ने, हिसाब तो देना होगा। वैसे बिटिया मुझे तो एक ही बात की फिक्र खाए जा रही है, घर ये भी किराए का है। अरे कहां से दूंगी किराया, कहां से खाऊंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप फिक्र तो ना करें ना, मैं आपके अखराजात उठा लूंगी, मैं जहां से आपसे बात करूंगी वो समझ जाएगा। बात अखराजात की नहीं है, ये तो सोचो कि इस उम्र में मैं अकेली जान कैसे रहूंगी, और ऊपर से जमाना भी बहुत खराब है। खाला आप मेरे साथ चलेंगे? है भी क्या हो गया तुझे? वो रईसा बेगम, वो तुम्हें साथ ले जाए तो बड़ी बात है, मुझे कहाँ बर्दाश्त करेंगी वो। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो। कि मैं आपको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना, रईसा बेगम को ये बात माननी पड़ेगी, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा क्या बात है बेटा तेरी,
तुम खुद सोचो कि वो जो रईसा बेगम है वो क्या दुल्हन के बगैर बारात साथ ले जाएंगी वापस? उनकी मर्जी है। नहीं तो माथा रगड़े यहाँ पे अब मेरे सामने। आप मेरे साथ जाएंगी बस। अम्मी आप दो तीन दिन और रुक जाती ना, आप क्यों जा रही हैं? अरे बेटा तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, मेरे लिए यही काफी है। अब बेटी के घर मेहमान बनकर रहना कोई अच्छा लगता है? हाँ जी, ये भी आपके बेटों का घर है। ठीक है, अब शकीला नहीं रही लेकिन घर तो आप ही का है। बेटा ये तो तुम्हारी मोहब्बत है जो तुम मुझे इतनी इज्जत देते हो। सना भी बिल्कुल मुझे मेरी बेटियों जैसी है और उसके लिए भी मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि रानी बेटी राज करे। अच्छा जहाँजेब, तुम्हारी वकील से बात हुई थी? जी जी, मेरी आज ही बात हुई थी। कह रहा था कि कल तक हम स्टे ऑर्डर ले लेंगे और इंशाल्लाह आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, बल्कि मुकदमा भी इंशाल्लाह आप ही के हक में। खुदा करे ऐसा ही हो। बेटा मुझे हया ने कुछ पैसे भिजवाए थे जो बैंक में है, मैं ये चेक लेकर आई हूँ। ये रख लो, पैसे निकलवा के कोर्ट के और वकील के अखराजात पूरे कर लेना। देखा आपने, फिर मुझे गैर कर दिया ना। क्या बेटे का हक नहीं होता कि माँ को उसकी छीनी हुई छत वापस दिलवाए? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं खामखा तुम्हें तकलीफ क्यों दूँ? हाँ जी, मुझे अदनान ने सख्ती से मना किया हुआ है, उसको बहुत बुरा लगेगा। अम्मी जहांजेब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना ही इनको अच्छा लगेगा और अदनान को भी बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पैसे नहीं लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अच्छा लाए, लाए मुझे दें। अच्छा बेटा अब मुझे इजाज़त दो। अम्मी आप क्यों जा रही हैं? आप देखो जब ढोलकी रखोगे ना तो मैं उसी दिन आ जाऊँगी और मैं शादी तक रहूँगी। अभी तक तो मैंने अपनी बेटियों को रुखसत किया है ना, अब मेरे बेटे की शादी है, मैं खूब नाचूंगी गाऊंगी ढोलकी बजाऊंगी। ठीक है, मैं भी खूब गाऊंगी। अम्मी आपने आकर बहुत अच्छा किया, हमारे घर की खुशी लौटा दी और आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने सना को शकीला की जगह दी। देखो बेटा, इस घर में जो भी दुल्हन बनकर आएगी मैं उसे शकीला की जगह ज़रूर दूंगी। अच्छा बेटा खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। रिंग बहुत खूबसूरत है, मैं तो शर्म के मारे नजरें ही उठा सकी। और मेरी नजरें तुम पर आके ऐसे जम सी गईं जैसे किसी और तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। मैं तो तरस गई थी लव सुनने के लिए। अमृत है ये तुम्हारे लव्स? यही अमृत अब सारी जिंदगी तुम्हारी समाप्त में रस खोले। जहांजेब एक बात है, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जब चली जाऊंगी तो खाला का क्या होगा? मैं जॉब करती थी तो ये घर चलता था, घर भी किराए का है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी। तुम रो रही हो? अपनी मजबूरियां मुझे रोने पर मजबूर करती है चाची। अपने आंसू मेरे नाम कर दो सना। आंटी बेसहारा नहीं रहेंगी, अब हमारे साथ रहेंगी। क्या तुम सही कह रहे हो? ठीक कह रहे हो, अब आंटी हमारे साथ रहेंगी। मगर रईसा आंटी मान जाएंगी? माँ को मानना ही होगा मेरी। और अगर ना मानी तो क्या खाला को इधी सेंटर भेज दूंगी? देखो सना, ये मेरे जीते जी तो नामुमकिन है। रानी बेटी राज करे।
आप तो मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं। मैं ये अम्मी को वापस करूंगी ना तो वो बहुत नाराज होंगे। राहिला भी वापस करने की जरूरत नहीं है, अपने पास रख लो, कोई मुनासिब सा वक्त देखकर वापस कर देना। भाई ठीक कह रहे हैं, घर का कब्जा वापस मिल जाए तब ये चेक दे देना उनको। ओए अल्लाह, आज तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी पे सोतल लेकर आ रहे और तुम शादी में शिरकत की तैयारी कर रही हो। अरे बुआ फजूल बातें मत किया करो, जब बेटी नहीं रही तो कैसी सौतन और कैसा सौतन का दुख।